ग्यारहवें सिलेबस में डे 49 में अपने और चैप्टर संख्या 5 चल रहे हैं गति के नियम, जिसमें हम वृत्ताकार पथ पर वाहन की गति के बारे में पढ़ रहे थे पिछली क्लास में डे 48 में, और अब हम बात कर रहे हैं डे 49 में कि वृत्ताकार पथ पर वाहन की सुरक्षित चाल के लिए व्यंजक फॉर्मूला क्या होगा कि सुरक्षित चाल के लिए रिजल्ट हम निकाल सकें। लेकिन कब है इसके अंदर कंडीशन दे रखी है, बंकित पथ है ये, बंकित बंकित मतलब ढालू, ढालू का मतलब है पिछली क्लास में भी हमने जिक्र किया था हाईवे के जो घुमाव होते हैं मोड़ होते हैं उनमें क्या होता है, एक किनारा जो होता है बाहर का किनारा वो थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है, अंदर का किनारा थोड़ा सा नीचे अंदर की ओर नीचे की ओर होता है, किसी कोण पर झुके होता है उनका भाग, क्यों झुका होता है वो हमने बात की थी प्रतिक्रिया बल में कि जब झुका होता है थीटा कोण पे तो जो प्रतिक्रिया बल लगता है जो सामान्यतः ऐसे लगता है ऊपर की ओर लंबवत तल के, अब तल ही झुक गया ऐसे हो गया तो प्रतिक्रिया बल भी इस तरह से झुक जाता है, तो उसका क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में विभाजित हो जाता है, क्षैतिज घटक जिससे कोण बन रहा है, ऊर्ध्वाधर घटक उसके ठीक लंबवत ऊर्ध्वाधर घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है साइन घटक जो होता है वो वहां गति प्रदान करने के लिए बल दे देता है और वो बल काम आ जाता है वहां, इसलिए थीटा कोण पर उसको उठाया जाता है। अब इसमें भी देखो दो बातें हम अलग अलग करते हैं, दो बातें दो पार्ट में, वैसे तो घर्षण हमेशा कार्य करता ही है, वैसे तो घर्षण कार्य करता है, बिना घर्षण गति संभव नहीं है, लेकिन घर्षण न्यूनतम हो हम उसको ये मान लेते हैं कि यदि घर्षण कार्य नहीं करे, यदि घर्षण कार्य नहीं करे तो क्या होगा और घर्षण कार्य करे तो क्या होगा, पिछली क्लास में हमने डिटेल से बात कर ली थी, अब हम आगे इसको सोल्व करते हैं डेरिवेशन करते हैं, किसी नहीं देखिए तो पहले पिछली क्लास देख लें फिर ये बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब देखो बाकी सारी बातें पिछली क्लास में लिख चुकी हैं कि माना कोई आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर कोई वाहन गति कर रहा है जिसका द्रव्यमान एम है, एम द्रव्यमान का कोई वाहन है वो गति कर रहा है, कोई गाड़ी गति कर रही है, अब उसके उसको थीटा कोण पर बाहरी किनारा जो है सड़क का वो उठाया गया है, वहां झुकाव कोण जो है वो थीटा है, ये बात हम लेकर चल रहे हैं इसके अंदर, तो इस तरह से हम मान लेते हैं कि ये कोई वृत्ताकार पथ है और ये इसका केंद्र है O, त्रिज्या है इसकी R और अब इसको उठा दिए गए यहां से कितने कोण पर, थीटा कोण पर उठा दिए गए, लेकिन हमने एक बात मानी है यहां कि यहां घर्षण कार्य नहीं कर रहा इसलिए हम F नहीं लेंगे, एफ नहीं लेंगे तो फिर ये नहीं है, फिर एफ नहीं लेंगे तो ये अभिकेंद्रीय बल कहां से आएगा, हमें पता है जब वृत्ताकार पथ पर वाहन की गति होती है तो उसके टायर बाहर की ओर निकल जाते हैं, घर्षण बल अंदर की ओर कार्य करता है, हम ये मान रहे हैं कि यहाँ घर्षण कार्य नहीं कर रहा तो फिर वृत्ताकार पथ पर गति के लिए जो अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है जिसका मान होगा अभिकेंद्रीय बल का मान एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ये कहां से आएगा, तो ये अभिकेंद्रीय बल के बारे में हमने जिक्र भी किया था पिछली क्लास में भी कि अभिकेंद्रीय बल का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, इस बात को आप दिमाग में बिठा लेंगे, ये इस बात को हम कम से कम 10 से ज्यादा बार यूज करेंगे 11वें 12वें 2 सालों में, तो अभिकेंद्रीय बल का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये बल वहां हमेशा किसी और बल से प्राप्त होता है, किसी और बल से, और जिस बल से प्राप्त होता है वो दोनों बल यानी जिस बल से प्राप्त हो रहा है वो और अभिकेंद्रीय बल दोनों बराबर होते हैं तभी वृत्ताकार पथ पर गति संभव हो पाती है, यानी अभिकेंद्रीय बल जो है वो किसी दूसरे बल से हमें मिलता है। अब देखो यहां पर जो गाड़ी पहले प्लेन स्थिति में हम ले रहे थे कि एम जी तो इधर काम कर रहा है नीचे की ओर और ये कोई वस्तु है उसका गाड़ी मान लो कुछ भी है उसका जो प्रतिक्रिया बल है वो आर ऊपर की तरफ काम कर रहा है, यहां क्या स्थिति है, यहां ये जो गाड़ी है वो कितने किस कोण पर, थीटा कोण पर, थीटा कोण पर झुकी हुई है, अब टायर क्या होंगे बाहर की तरफ निकलेंगे इसके, और अब इसमें जो बल है वो किस प्रकार से कार्य करेंगे, इसका जो एम जी है वस्तु का भार वो हमेशा किधर काम करेगा, नीचे की ओर, प्रतिक्रिया बल की परिभाषा इसीलिए हमने पहले लिखी थी वो ध्यान रखनी है, प्रतिक्रिया बल हमेशा उस सतह के लंबवत होता है जिस सतह पर कोई वस्तु है, तो कार जो है वो कार इस सड़क पर है तो सड़क टेढ़ी है झुकी हुई है
तो झुकी हुई सड़क के ठीक 90 डिग्री पर, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रतिक्रिया बल आर काम करेगा। नॉर्मली ऐसे होना चाहिए। तो इस ये भी अगर सामान्य स्थिति ले तो ये इसकी सामान्य स्थिति है, तो इससे भी ये कितना हो जाएगा, थीटा कोण पर विस्थापित हो जाएगा। इसलिए आर के भी कितने घटक हो जाएंगे, दो घटक हो जाएंगे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक जो है वो होता है ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि जितनी सड़क झुकी है उतनी गाड़ी झुकेगी, उतना ही प्रतिक्रिया बल झुकेगा। तो ये जिसके साथ कोण बनता है, जिस अक्ष के साथ, वो क्षैतिज घटक होता है आर कोस थीटा लेते हैं। तो ये हो गया आर कोस थीटा। दूसरी बात, अब इसका अब लंबवत घटक जो होता है, ऊर्ध्वाधर घटक जिसको कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, वो किधर काम करेगा, वो क्षैतिज के 90 डिग्री पर होता है। ये बात हम हर बार करते हैं, क्षैतिज का 90 डिग्री इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन हम किधर लेंगे, जिस साइड में वैल्यू है, जिसके टुकड़े किए हैं उसी साइड में, यानी जिसके टुकड़े किए हैं वो बीच में रहेगा, आधा भाग इधर हो गया और आधा भाग इधर हो गया, टोटल मिला के रिजल्टेड मास बीच में। तो यहां से इधर काम करेगा आर साइन थीटा। अब देखो आर साइन थीटा किधर काम कर रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर, और सेंट्रीपिटल फोर्स ऑल्सो वर्क्स टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स भी किधर काम करता है, केंद्रीय बल भी सेंटर की ओर काम करता है। तो यहां से ये जो बल है, ये बल इसको क्या देगा, विकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। तो यहां से अगर डायग्राम हमें पता चल गया तो दिख रहा है, अब देखो जिसके हमें टुकड़े कर दिया उसका यूज नहीं करना है, यानी आर के ही दो भाग हमने किए, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, दोनों मिलाकर ही आर है। जब मिलाकर है तो ये दो भाग हमने कर दिए, ठीक है, जैसे सिंपली कह दिए पांच है तो इधर दो आ गए, इधर तीन आ गया, तो अब तीन इधर यूज हो रहा है, दो इधर हो रहा है, तो पांच के तो टुकड़े हो ही गए। तो यहां इसका मतलब इसी की दो वैल्यू हमने ले ली है, तो इसको इसका यूज नहीं करना कहीं पर भी, अब आर का क्या करें, आर की ही पार्ट हमने लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से क्या दिख रहा है बाय डायग्राम, आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, दोनों विपरीत बराबर हो गए, और एम जी स्क्वायर अपॉन आर कहां से आ रहा है, आर साइन थीटा से, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हो गए। अब दो समीकरण आ गई, दो समीकरणों में वही भाग देकर हमें वी का मान निकालना है, जो वी आएगा वही सुरक्षित चाल का व्यंजक होगा। अब इस बात को आप सिंप्लीफाई कर लें, ये मान लेते हैं, आप ये लिख लें इसके अंदर, माना कोई एम द्रव्यमान का कण कोई वाहन किसी आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, और इस सड़क को थीटा कोण पर, पथ जो है वो थीटा कोण पर बंकित है, थीटा कोण का झुकाव है उसमें, इसलिए प्रतिक्रिया बल भी थीटा कोण पर विस्थापित हो जाता है, जिसके दो घटक होते हैं आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये इतनी बात आप लिख लें, थोड़ा मैं लिख देता हूं यहां, प्रतिक्रिया बल आर थीटा कोण पर विस्थापित होता है, जिसके दो घटक हैं, आर कोस थीटा क्या है प्रतिक्रिया बल का क्षैतिज घटक, और आर साइन थीटा क्या है ऊर्ध्वाधर घटक, लंबवत घटक, वर्टिकल कंपोनेंट, जो किधर काम करता है, केंद्र की ओर, और ये किधर काम कर रहे हैं, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर भार के विपरीत है ये, और कौन कौन से बल काम कर रहे हैं, तथा वस्तु का भार, कार का भार, जो भी वस्तु ले रहे हैं, जो भी वस्तु का भार किधर काम करेगा, एम जी किधर काम कर रहे हैं, नीचे की ओर, अभिकेंद्रीय बल तो इस तरह से लिख दें आप, पूरा पैराग्राफ ना बढ़ाकर इस तरह से लिख दें, ज्यादा अच्छा देखने वाला वो भी तुरंत समझ में आ जाए भाई क्या दे रखा है, बेवजह थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। एम जी स्क्वायर अपॉन आर किधर, केंद्र की ओर, अब जो केंद्र की ओर बल लग रहा है वो उसके बराबर होगा, जो नीचे की ओर बल लग रहा है उसको संतुलित करेगा ऊपर की ओर का बल, इसलिए वैल्यू क्या आएगी, चित्र से लिख सकते हो बाय डायग्राम, क्या लिख सकते हैं हम,
लिख लें आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, समीकरण नंबर एक। दूसरी समीकरण क्या आएगी, आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर अपॉन आर, समीकरण नंबर दो। हमें v का मान निकालना है, चाल निकालनी है ना, तो v ऊपर रहना चाहिए, इसलिए जो v वाली वैल्यू है उसमें दूसरी वैल्यू का भाग कर दो। तो RHS में RHS का भाग करेंगे और LHS में LHS का भाग करेंगे, तो दो में किसका भाग, एक का भाग करने पर भाग कर दें और रिजल्ट निकालें। भाग करेंगे तो क्या आएगा, एम जी स्क्वायर अपॉन आर इंटू एम जी, एम जी का भाग कर दिया, इज इक्वल टू ये रखना ऊपर आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कोस थीटा, आर से आर कट गया, एम से एम कट गया, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ये। अब देखो इसके अंदर क्या लिख देता हूं, इधर यहां क्या बचा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा होते हैं टेन थीटा, तो यहां क्या लिख देंगे टेन थीटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर जी टेन थीटा, ठीक है, और v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। और ये जो समीकरण है समीकरण तीन, किसी वृत्ताकार पथ पर वाहन की सुरक्षित चाल के लिए व्यंजक को व्यक्त करती है जब घर्षण बल कार्य नहीं करता, घर्षण, इसीलिए इसके अंदर एफ नहीं है कहीं पर भी, एफ नहीं है तो एफ इज इक्वल टू म्यू आर होता है, इसलिए म्यू नहीं आ रहा कहीं पर भी इसके अंदर। हम अगले टॉपिक में बात करेंगे घर्षण कार्य कर रहा है तो क्या होगा, तो एक्चुअल में तो घर्षण कार्य करता ही है, तो रियल में तो जो सड़कें बनाई जाती है वहां जो कैलकुलेशन की जाती है वो म्यू के आधार पर की जाती है, तो उसमें तो म्यू आता है एफ भी आता है। अब देखो थोड़ा थोड़ा इसी डायग्राम से देख ले हम, थोड़ा थोड़ा संशोधन हो रहा है, एक तो आप इसका रिजल्ट जब भी आप कोई टॉपिक सॉल्व करते हैं हम जब लास्ट में फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट लिख दो, कि हम पहले तो हम हेडिंग डालते हैं कि हम निकालना क्या चाहते हैं, और जब रिजल्ट आ जाता है तब हम ये बताते हैं कि हमने क्या निकाल दिया है, ठीक है। तो जब भी रिजल्ट आ गया तब आपको इसमें ये बताना है कि ये है क्या, तो आपको ये लिखना है समीकरण तीन जो हेडिंग है वो, समीकरण तीन किसी ढालू वृत्ताकार पथ पर वाहन की सुरक्षित चाल के व्यंजक को व्यक्त करती है जब उस पर घर्षण बल कार्य नहीं करता, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, देखो हमने क्या किया है, हम इजी टू टिपिकल जा रहे हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमने लिया प्लेन पथ है, प्लेन पथ है तो कोण नहीं है, कोण नहीं है तो कोण नहीं आया उसके अंदर, कोण नहीं आया तो आर सीधा इधर ही तो था, घर्षण लग रहा था, तो एफ आ गया, एफ से क्या मिला एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एम जी इज इक्वल टू क्या हो गया आर। अब दूसरे भाग में हमने क्या किया कि यहां यहां थीटा कोण पर विस्थापित हो गया ये आर, थीटा कोण पर विस्थापित हो गया तो इस पे इसके दो घटक हो गए, बाकी काम है सर वैसे ही लेना है तो भी निकल गया। अब क्या हो रहा है अगले टॉपिक में क्या करेंगे, ध्यान से देख लेना, अभी थोड़ी सी कैलकुलेशन में चेंज आएगा, क्या करेंगे घर्षण बल कार्य करता है तो हम क्या कहेंगे, इसमें के साथ साथ अब तो हम कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया बल सारा इसी से मिल गया, अब हम क्या कहेंगे घर्षण बल भी लग रहा है, तो घर्षण बल तो क्या हो रहा है नॉर्मली ऐसे लगता है सीधा, तो सीधा गाड़ी ऐसे है ये ऐसे गाड़ी है तो घर्षण बल किधर लग गया, इधर सीधा लग गया, लेकिन गाड़ी की झुकी हुई है क्योंकि सड़क में झुकाव है तो घर्षण बल भी किधर हो जाएगा, झुक जाएगा ना, जो यहां लाइन सीधी आनी चाहिए थी वो लाइन ऐसे आएगी, घर्षण बल की लाइन ऐसे आएगी, ध्यान रखना इसे ऐसे आएगी तो कितना कोण बनेगा वही थीटा बनेगा, थीटा बनेगा तो घर्षण के भी कितने घटक हो जाएंगे दो घटक हो जाएंगे, क्षैतिज घटक हो रहे हैं, तो क्षैतिज घटक तो कितना आएगा जिसके साथ कोण बन रहा है, इधर क्षैतिज घटक आ जाएगा एफ कोस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक किधर आएगा क्षैतिज के ठीक 90 डिग्री पर, लेकिन किधर आएगा नीचे की तरफ क्योंकि एफ इधर है ना, ये रहा है इधर आएगा, तो इस तरफ कौन सा एक घटक और आ जाएगा एफ साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये जो समीकरण बनाई थी इसमें क्या लिखा है हमने एम जी, तो हम क्या लिख देंगे एम जी के प्लस में क्या आ रहा है
दोनों एक साइड में ना, एक साइड में होते तो जुड़ जाते हैं, तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा, क्लियर। और इसके अंदर क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है ओनली क्या आ रहा था पहले तो आर साइन थीटा, अब आर साइन थीटा के साथ में इधर क्या आ रहा है एफ कॉस थीटा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो समीकरण थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, निकालना होगी दो में एक का बराबर है, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे उसको डे 50 में, तब हम उसकी बात करेंगे, तब तक आप इसको इसलिए बताया गया कि आप रिलेट कर ले, खुद सोल्व करना चाहें तो कुछ भी सोल्व करके देख सकते हैं, रिजल्ट आ जाएंगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर। तो इसी तरह से डायग्राम को समझ के फिर आपको इसको करना है, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे।